नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका उद्देश्य है ये आत्मसाधना के मार्ग पर आपको स्वयं को जानने हेतु हम शरीर, प्राण, मन और आत्मा के महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिससे आप स्वयं को जाने और अपना जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ, मस्त, शांत और आनंदमय बनाएं, बनाने की कला सीखें। संक्षिप्त में आपको हम सहज योगिक लाइफस्टाइल सिखाकर आपको एक सर्वव्यापी परमात्मा का योगी बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, यही कड़ी में आज का विषय है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है। सर्वव्यापी परमात्मा हर दिन हमें सिर्फ 24 घंटे का जीवन देता है और सर्वाधिक वक्त हमारा 8 घंटा, मतलब 33.3% जीवन हमारा छोटा मृत्यु मतलब नींद में ही चला जाता है और हमारे हाथ में जीवन बचता है सिर्फ 16 घंटे का। यह 16 घंटे में भी बाह्य शुद्धि, शौच, खाना बनाना, इसमें लगभग 4 घंटे चले जाते हैं। मुख्य समय बचता है सिर्फ 12 घंटे का, इसके अंदर अर्थार्जन, कर्म और दुनियादारी रहते हैं। मित्रों, एक सत्य को समझो, हमारे पास समय और शक्ति बहुत कम है, इसका इस्तेमाल सही सही करो। उसको अपने जो षडरिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसमें बिल्कुल मत अटको। मित्रों, जीवन के सत्य को समझो, मानते हैं सर्वव्यापी परमात्मा ने हमें जीवन 100 साल या ज्यादा से ज्यादा दिया है। गलत खानपान, गलत सोच से हमारी जो भी देह रूपी गाड़ी है यह जल्दी खराब हो जाती है। हमारी सरासरी उम्र सिर्फ 70 साल है, इसमें से 35 साल चले गए छोटा मृत्यु मतलब खाना धोना हगने में ही चले जाता है और आयु बचती है सिर्फ 35 साल। इसमें से पैदा होने से 25 साल निकल जाते हैं सीखने पढ़ने में, इसका हम आधा करते हैं, मतलब यह जो प्रैक्टिकल जीवन में जो बोल रहा हूँ 35 साल में 12 साल चले गए, मतलब प्रत्यक्ष कार्य करने हेतु सिर्फ हमारे हाथ में 23 साल है। तो आप स्वयं सोचें जीवन कितना छोटा है, इसलिए समय और शक्ति का सही इस्तेमाल करें, व्यर्थ में कुछ भी ना करें। इसके अलावा मित्रों, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, यह हमने कभी जाना नहीं है। सभी दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। कब जन्म हो गया पता नहीं, फिर मृत्यु सामने आने के बाद पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता। कैसा हमारा जन्म व्यर्थ गया यह सिर्फ मृत्यु के समय समझ में आता है। इस वक्त टाइम खत्म हो जाता है, यह हमारी छोटी छोटी इच्छा, वासना और अहंकार के कारण हम कुछ नहीं समझ पाते। इसलिए अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का काम है आपको आपकी पहचान कराना और जीवन के महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने रखना। मित्रों, हमारे जन्म का मुख्य कारण है, जो लिया है वो चुकाना है, उसको मराठी भाषा में अच्छा शब्द है परतफेड। यह कर्मों के हिसाब हम चुकाने आए हैं और कर्म से मुक्ति पाना यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो है वो चुकाना ही पड़ेगा, हर हाल में चुकाना पड़ेगा। कम से कम नए नए गलत कर्म तो नहीं बनाओ, यही वासना, इच्छा और कर्मों का कर्ज हमसे यह जन्म में भी बढ़ता है। मित्रों, इस वजह से ही आपके और हमारे लाखों जन्म हुए हैं और यह दुख और सुख के चक्कर में हम पीस रहे हैं। मित्रों, इससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से यह आध्यात्मिक बोल गुरु के चक्कर में फंसकर
और भी जीवन का बंधन बढ़ता है, मुक्ति नहीं है। मित्रों, जो आपको मुक्त कर सकता है वही सच्चा गुरु है। वह यह जो बोल गुरु है वह आपको गुलामी के सोने की बिड़िया में बांधते हैं और स्वयं का जीवन और आपका जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। इसके ऊपर शांति से विचार करें, मनन करें और समझें सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु वही होता है जो सर्वव्यापी, हर समय उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध हो, वही सच्चा गुरु है। हमारे जैसे एक परमात्मा का रास्ता क्या दिखाया, गुरु बन जाते हैं या आप लोग उन्हें बनाते हैं। क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मानना है, हमें सिर्फ सच्चा गुरु सर्वव्यापी परमात्मा का सिर्फ रास्ता पाता है। यह मार्गदर्शन हम आपको कर सकते हैं, यह रास्ते पर आप चलकर उसे खोजना है। हम सिर्फ एक राहगीर है, रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरु सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा है। खोजना शब्द भी गलत है, यह सर्वव्यापी है। आपके शरीर के अंदर हर एक पेशी मतलब हर सेल में लबालब भरा हुआ है, और जो भी आप आंखों से देख रहे हैं, झाड़, मानव, प्राणी, धरती और जो भी आपको सुनाई देता है, वह सब तत्व है और नाशवंत है। यह हर तत्व में यह सर्वव्यापी परमात्मा कण कण में है और इसकी कृपा अभी उपलब्ध है। सिर्फ हमने अपना पात्र उल्टा पकड़ा है। बस परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, अपने आप कृपा होगी। हमने ही मुंह फेर लिया है, वह सर्वत्र सहज उपलब्ध है। इसको पाने के लिए किसी गुरु रूपी दलाल की जरूरत नहीं है, वही हमारा सबका सच्चा गुरु है। मेरे यह विचारों पर विचार करें, क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ? जीवन बहुत छोटा है, भटको नहीं, दलाल गुरुओं के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करो। इस तरह से मैंने आज आपको सच्चे गुरु की पहचान कराई है। सिर्फ सहज हो जाओ। हमारा जीवन का बहुत समय बर्बाद हो चुका है, इसलिए हमको समय को कमाना है जो हम आत्मकल्याण को लगा सके, नहीं तो यह जल में व्यर्थ जाएगा। तो यह समय कैसा कमाया जा सकता है? इसलिए आज हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है सुबह 3:40 से लेकर, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है और वो 6 तक है। दिन भर में 24 घंटे में अलग अलग मुहूर्त है और उसके हिसाब से कर्म करने चाहिए। इससे इनमें से प्रमुख 2 मुहूर्त है। प्रथम है संध्या मुहूर्त। यह मुहूर्त सूरज डूबने के 1 पहले और सूरज डूबने के 1 बाद तक होता है। इस वक्त सारी प्रकृति शांत हो जाती है और यह समय सर्वव्यापी परमात्मा को समर्पित होने का बहुत अच्छा समय है। दिन भर के कर्म पूरे हो जाते हैं और हम घर आते हैं, यह एक शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त शुरू होता है, वह है 9:30 to 10:30 तक। यह मुहूर्त पर किसी भी हाल में सो जाना चाहिए, यही सोने का सही मुहूर्त है। मित्रों, हमें सुबह उठने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, हमें समय पर सोने की फिक्र करनी चाहिए। सुबह अपने आप नींद खुलेगी। और मित्रों, सबसे खतरनाक मुहूर्त है, विनाशकारी मुहूर्त है, वह है रात 12 to 3 तक। यह समय हम कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। मित्रों, यह मुहूर्त है शैतान दानव का मुहूर्त। इस समय यदि आप जगते हो तो इस समय सारे ब्रह्मांड में शैतानी दानव सूक्ष्म शरीर के रूप में घूमते रहते हैं। यह उनका समय है और आप यह समय पर जगते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर यह गुण आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जीवन की शांति, आनंद, अच्छे गुण को हम खो देते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चा योगी यह समय पर कभी भी जगता नहीं है,
वह समय जगता है, यह समय जगता है सिर्फ भोगी मानव। आपने देखा होगा यह समय पर शराबी, अय्याशी करने वाले, गलत काम करने वाले, चोर उचक के लोग ही जगते हैं। मित्रों, यह मुहूर्त की सबसे खतरनाक बात है, मैं आज आपको समझाता हूँ। ध्यान रखें, यह मुहूर्त पर आप मैथुन करते हो तो आपके घर में दानव वृत्ति का ही मानव जन्म लेता है, क्योंकि इस समय शैतानी दानव सूक्ष्म शरीर के रूप में यह समय ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। यह एक भोगी जीव होते हैं, उनको भोग हेतु जन्म लेना रहता है, इसलिए यह गर्भ में आ जाते हैं और शरीर धारण करते हैं। इसलिए यह समय कभी भी मैथुन मतलब सेक्स नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं माँ बाप अच्छे होने के बाद भी उनकी औलाद शैतान निकलती है, इसका बस यही कारण है। मित्रों, यह समय नियंत्रण करो और गलत औलाद से बचो, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। कभी भी यह समय नहीं जगे, इसके बाद यह शैतानी आत्मा सो जाते हैं और फिर उठते हैं और जगते हैं दैविक सूक्ष्म शरीर। यह समय हमारे सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, मतलब सारे परमात्मा हमारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, क्योंकि यही समय है गहरी शांति का। जीवन में गहरी शांति का एहसास करना चाहते हो तो आपको यह समय उठकर देखना पड़ेगा शांति क्या होती है। जो शांति की तलाश में आप है, वो शांति आपको इसी समय प्रत्यक्ष देखने को और महसूस करने को मिलेगी। मगर दोस्तों, हर अच्छे कर्म को सर्वव्यापी की कृपा की जरूरत होती है। ब्रह्मपुट पर उठना चाहते हो तो प्रथम आपको निद्रा या विषय को समझना पड़ेगा। जो निद्रा के टेक्निक को समझ गया, वही ब्रह्मपुट पर उठने का हकदार है। हमारा निद्रा यह विषय पर एक वीडियो देखें। इससे हमने समझा है कि हमारी एक कुल मिलाकर तीन अवस्था है, एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है और तीसरी सुसुप्ति अवस्था, मतलब डीप स्लीप। जागृत अवस्था में तो आप जानते हैं, जागृत अवस्था क्या होती है तो आप समझ ही रहे, जो हम अभी जग रहे हैं उसको जागृत अवस्था करते हैं। स्वप्न अवस्था में शरीर सो जाता है और मन भटकते रहता है, और सुसुप्ति अवस्था जो है जिसको डीप स्लीप कहते हैं, वह यह समय शरीर भी सो जाता है और मन भी सो जाता है। मित्रों, यह मन यह अत्यंत सूक्ष्म है और अति शक्तिशाली है, इसको सुलाना बहुत मुश्किल है। मन तो हमारे नियंत्रण आना लगभग असंभव है। मन सिर्फ और सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा के सामने ही झुकता है। जैसे इस सर्वव्यापी परमात्मा को अशर्त समर्पण करते हो, मन धीरे धीरे शांत होता है और सर्वव्यापी में वह भी स्वयं समर्पण करता है। और एक दिन ऐसा आता है, मन संपूर्ण मिट जाता है, बसता है सिर्फ आत्मा, और फिर हमारा जीवन आत्मसंचरित हो जाता है और हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। जीते जी मुक्ति का एहसास होता है। इसलिए मित्रों, बिना सर्वव्यापी के समर्पण, बिना सर्वव्यापी के समर्पण सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप संभव नहीं है। एक घंटे की सुसुप्ति 6 घंटे के नींद के बराबर होती है, इसलिए हमारे महान योगी ऋषि सिर्फ 2-3 घंटा सोते हैं, वह डायरेक्ट सुसुप्ति अवस्था मतलब डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसकी वजह से ही हम वह ब्रह्म मुहूर्त पर आराम से उठ सकते हैं। जितनी ज़्यादा जागृत अवस्था उतना जीवन ज़्यादा, उनकी आयु हर दिन 5 घंटे बढ़ जाती है, और यही समय यह योगी आत्मकल्याण में लगाते हैं और पूर्ण मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यह हमारे दैविक आत्मा यह ब्रह्मांड में घूमने आते हैं, स्वयं ब्रह्मा आते हैं। जो भी हिमालय के महान ऋषि मुनि हैं,
वह अपने सूक्ष्म शरीर से यह ब्रह्म मुहूर्त पर घूमते हैं। जो मानव ब्रह्म मुहूर्त पर उठे रहता है उनको जो भी इच्छा है वह स्वयं जान लेते हैं और उनके हिसाब से उनको एक मार्गदर्शक भेज देते हैं, नहीं तो उनका कल्याण हो ही जाता है। सारा ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त पर ही निर्माण होता है। आप स्वयं देखो, जो बड़े बड़े महान योगी, साइंटिस्ट, करोड़पति लोग, यशस्वी लोग की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी, यह सब लोग ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं। मित्रों, ब्रह्म का मतलब है नया निर्माण करना। जिसको भी कुछ नया निर्माण करना है उसको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। यही वक्त ऐसा है हमारा मन शांत रहता है और प्रकृति भी शांत रहती है। इसी समय सकारात्मक विचारों का निर्माण होता है। मित्रों, यदि ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीनी है तो ब्रह्म मुहूर्त उठने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी आप स्वयं अपने आप को जान नहीं पाओगे। क्यों जन्म हुआ और क्यों मर गए यह भी समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त पर उनको उठना चाहिए जिसको बहुत बड़ा कुछ निर्माण करना है। किसी की नौकरी और गुलामी करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं को जानना और परमात्मा को पाना यह भी जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। यही समय है सर्वव्यापी परमात्मा को 100% अशर्त समर्पण करने का और इतनी कृपा पाने का कि उनकी कृपा के सिवाय आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठ नहीं सकते। इसलिए मित्रों, सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, अपने आप सब हो जाएगा, वही आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठाएगा। मित्रों, मैंने प्रयास किया है आपको सच्चा गुरु कौन है और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाने का। यह आत्मसाधना के मार्ग पर हमारे ऑडियो वीडियो सुनते रहिए और अपना छोटा सा जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।